हाय फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये सेरामिक से मैंने काम किया था। ये फ्लावर या टेबल लैम्प बना रहे थे जो एक फ्लावर पार्ट पे है, जो काफ़ी दिन से मेरे के बेकार पड़ा था। मैं बताई थी आप लोगों को कि ये कैसी कैसे बनाई हूँ, और इसका फ्लावर बनाना भी आपको हम दिखाया था। ये मेरा कम्प्लीट हो चुका है फ्लावर, अब इसको कलरिंग बाकी है, कलर करना। तो आप सबको मैं दिखा देती हूँ कैसे मैं कलर कर रही हूँ। और ये येलो कलर है और ब्लैक मैं अंदर कर रखी थी पहले से, ये मैं रेड कलर करूँगी जिससे शेडिंग देने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। और ये एमसील है, और ये पड़ा था मेरे के यहाँ बेकार पाइप, ये देख सकते हैं। इसको मैंने जॉइंट कर दिया है और इसके ऊपर से कैप लगा दिया। ये 10-15 रुपये का होल्डर कैप मिलता है, आप मार्केट में आराम से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें तार मैंने होल्डर सेट कर दिया है, ये एमसील है जिसके माध्यम से मैंने इस पर इसको सेट कर दिया है जो प्रॉब्लम ना हो। और मैं कलर करने दिखा रही हूँ, और आगे वीडियो और भी इसका आज पूरा कम्प्लीट ही सेकेंड पार्ट मिलेगा आपको। और मैं हर वीडियो में आप लोगों को कभी नहीं कहती हूँ कि लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। इतनी मेरी मेहनत पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। कमेंट करके आप बताएंगे कि कैसा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं काम मेहनत कर रही हूँ, कुछ चीज़ आपको सिखा रही हूँ। तो आप कमेंट करके बताते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरी नोटिफिकेशन के लिए वो बेल कौन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं कलर करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, ओ मेरे के यहाँ काफ़ी कलर पड़ा हुआ था रेड कलर, तो मैं सब में से कंबाइन कर लूँगी, सब एक में ही यूज़ कर लूँगी कि ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा यूज करने से पड़ा रह गया था काफ़ी दिन से, और सूख भी जाता है। एक कैमल का है, आप देख लीजिए फैब्रिक कलर, देखिए फैब्रिक है ये, कैमल का है ये, यूज कर सकते हैं इसको। और ये 15-20 रुपए का मिलता है। इसके साथ मैंने शाइनिंग के लिए मैं गोल्डन यूज़ करूँगी, जो ये पेंट की दुकान पे मिलता है। ये 75-75 रुपए का मिलता है, या 15-30 उससे रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको। इसका प्राइस का लेवल हट गया है। और ये एमसील है, ये 10 रुपए का मिलता है मार्केट में। कुल मिला के आपको 150 रुपये इसमें मात्र खर्च करना है, आपका टेबल लैंप तैयार हो जाएगा। और मैं कलर करना दिखा रही हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी पूरा कंप्लीट आपको। फर्स्ट पार्ट में तो मैंने बताया था कि कैसे कैसे बन रहा है, और सेकंड पार्ट में आज आपको लैंप पूरा एकदम कंप्लीट करके दिखा दूँगी कि ये ऐसा टेबल लैंप होता है, ऐसे मैं काम करती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। ये थोड़ा सा आप पानी का भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी ब्रश रखे हैं। देखिए मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ। इस तरह सारे फ्लावर को कलर कर लेंगे आराम से। और जहाँ जहाँ कि आपको वाटर की आवश्यकता पड़े तो आप वाटर भी यूज कर सके। और इसके ऊपर से शेडिंग भी करना है आपको, वो शेडिंग में करना दिखाऊंगी कि कैसे मैं शेडिंग कर रही हूँ उसको। पहले आप रेड कलर पूरा करें, ठीक है। बीस या 25 मिनट लगेगा उसको कलर करने में, अच्छे से बारीकी कलर से करना है इसको, ठीक है। अब काफ़ी मेहनत है इसमें, अब आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे कि हाँ ये कलर इस पर अच्छा लगेगा, इस कलर का फ्लावर। आप वाइट भी कर सकते हैं, जिस पर हल्का हल्का रेड से कलर से शेडिंग दे दें, और प्यारा लगेगा वो भी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि मुझे रेड ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये गोल्डन है, ये बहुत जल्दी सूखता है, ठीक है।
पूरा अंदर ले अच्छे से करना होगा। देखिए इस तरह हल्का हल्का गोल्डन सेट लेके आपको इसी में मिक्स करके कलर कर देना। देखिए कहीं कहीं ऐसे फ्लावर आएंगे और कहीं कहीं ऐसे, तो इससे अच्छा लगेगा कि हाँ थोड़ा हल्का फीका नहीं। गुलाब पंखुड़ियों में होता है, कहीं कहीं बहुत रेड होता है, कहीं कहीं हल्का हल्का फीका होता है, वाइट वाइट कलर होता है। तो उस तरह से आप इस तरह देखिए काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, इस तरह हल्का हल्का गोल्डन सेट लेके आपको इसी में मिक्स करके कलर कर देना। देखिए कहीं कहीं ऐसे फ्लावर आएंगे और कहीं कहीं ऐसे, तो इससे अच्छा लगेगा कि हाँ थोड़ा हल्का फीका नहीं। गुलाब पंखुड़ियों में होता है, कहीं कहीं बहुत रेड होता है, कहीं कहीं हल्का हल्का फीका होता है, वाइट वाइट कलर होता है। तो उस तरह से आप इस तरह देखिए काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा देखने में। देखिए रेड कलर से मैंने कंप्लीट कर दिया इसको पूरा, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और ये रेड वाला हो गया है, अब इसको सूखने का वेट करेंगे। जब ये सूख जाएगा तब इसके ऊपर से गोल्डन सेटिंग देंगे। बाकी ये चीज़ जो गंदा हो गया मेरा येलो कलर का, तो इसको मैं फिर से कलर कर लूँगी शेडिंग के साथ। ठीक है, शेडिंग के साथ और गोल्डन और ये येलो कलर को मिक्स करके इसको शेडिंग के साथ इसको सही कर देंगे, जो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया है। ये देखिए पूरा एकदम टचिंग ख़राब हो गया है, क्योंकि ये देखिए कैसा लग रहा है, अभी सूखा नहीं है, गीला है। सूखने के बाद इसे गोल्डन कलर का इसका पैच करेंगे, गोल्डन कलर से फ्लावर के ऊपर पैच करेंगे एक फोम शीट के सहायता से। और ये देखिए, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से कलर कर दिया इसको। और इसको ये जो है जो ख़राब हो चुका है इसको मैं येलो कलर और गोल्डन कलर से, ये मेरा गोल्डन कलर है, येलो कलर है, और ये दोनों दोनों कलर को लेके मैं इस पार्ट को पूरा कंप्लीट कलर कर दूंगी, जिससे जो गंदा लग रहा था वो गंदा ना लगे, सही हो जाए इस बारीकी से ऐसे ऐसे। और थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर भी ले लेंगे जो शाइनिंग आने लगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे, लेकिन हम शाइनिंग के लिए कलर कर ले रहे हैं। अंदर भी कर देंगे ये पार्ट जो है, तो कलरिंग कर देंगे। ठीक है,
इस तरह से कलर कर देंगे, ठीक है, गोल्डन कलर मिक्स करके करेंगे। रेड वाले फ्लावर पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे इस तरह शेडिंग कर देंगे इसको, ठीक है। मैं इसी तरह पूरा कलर कर दूंगी, ठीक है, इस तरह शेडिंग कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए मैं इसी तरह पूरा कलर कर दूंगी, ठीक है। कवर ओवर गद्दी उद्दी सीट कवर में से आप होम सेट मिल जाता है, या तो आप कभी फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किए हैं तो उसमें ये लग के आता है, जिससे सामान ख़राब नहीं होता है। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, बस अब ज़्यादा नहीं इसको करेंगे, ख़राब लगने लगता है ज़्यादा भी गोल्डन, ठीक है। ये एकदम फिनिशिंग के साथ इसको करना होगा आपको, कहीं कहीं छूट गया है मेरा, तो मैं कर दे रही हूँ इसको कंप्लीट। देखिए हो गया, ओके रेडी। अब मेरा सेकेंड इसका है प्रोसेस, इसमें अब मैं करने जा रही हूँ ये एक कैप मैंने लगा दिया है, ये देख सकते हैं ये कैप मैंने लगा दिया, होल्डर भी लगा दी हूँ। होल्डर आपने आपको दिखाया था कैसे होल्डर लगाते हैं, और लगा दिया। अब इसका ये पार्ट देखने को मिलेगा, इसे मैं ये मार्केट में भी मिल जाता है, दिल्ली में तो काफ़ी सस्ता मिलता है 80-90 का, तो मार्केट में मुझे 150 रुपये का मिला है, और काफ़ी महंगा पड़ गया है, कोई बात नहीं है। और मैंने ये मार्केट से हेयरलेस ख़रीदा है। आप जिस कलर का फ्लावर बनाएंगे, जिस कलर का करेंगे, उस कलर का ये पैच लगाएंगे, ये ऐसे पूरा फाइनली पैच लगाना है इस पर। आप पूरा इसको पैच लगा देंगे, ठीक है, और ये मैंने ग्लू गन से इस पर पैच लगाऊंगी। ये भी ऑनलाइन ही मैंने मंगाया है, आप भी चाहो तो ऑनलाइन ही मंगा सकते हो उसको, और एक बार मंगा लोगे तो हमेशा काम देगा। और इसके साथ ये स्टिक आती है जो यूज कर सकते हैं, ये स्टिक आती है, ग्लू गन है, ठीक है। ये 250-250 रुपये का पड़ा था, जो हमेशा हमको कंटिन्यू कोई भी चीज़ बनाना होता हम यूज़ कर लेते हैं इसको कहीं भी। अब ये देखिए इसमें मैं पैच लगा रही हूँ, तो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाए हैं कि पैच कैसे लगा रही थी मैं, अब देखे भी होंगे, कुछ नहीं, आराम से पैच को इस तरह को लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे आप
दे सकते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप किसी भी कलर, फ्लावर जिस कलर का करेंगे तो पैच भी उसी कलर का लगाएंगे, अच्छा लगेगा। जैसे एक होता है कि नहीं, अपना शेडिंग हो जाता है, मैच करने लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसे मैच करने की वजह से मैंने रेड कलर का लिया है कि मेरा फ्लावर रेड कलर का है तो ये भी रेड कलर का, तो मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ले लिया है। आप जिस कलर का बनाएं तो उस कलर का आप ये लेस ले सकते हैं। ये मुझे मार्केट में 40 रुपये मीटर मिला है, तो इसका छोटा भी, इसका जो ये लटकन टाइप का है ये छोटा भी आता है, आप छोटा चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा थोड़ा सा था तो ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको लिया है। देखिए ये कंप्लीट होने वाला है फाइनली। ओके, मैं फेसबुक पे हूँ, मेरा नाम निशब जत्ता है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी काफ़ी चीज़ें पड़ी रहती है, ऑर्डर भी कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, उस पर सारी चीज़ें हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है, लिंक भी है, और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पर भी सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के। ये देखिए ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। 1 मीटर लेंगे तो आराम से हो जाएगा इतने बड़े कैप में। ठीक है, अब मैं इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ। फॉलो कर सकते हैं आप, फेसबुक है, यूट्यूब है, इस पर भी सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के। ये देखिए ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। 1 मीटर लेंगे तो आराम से हो जाएगा इतने बड़े कैप में। ठीक है, अब मैं इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ। देख के बताइए कैसा लग रहा है। ये इसका लुक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ दिन बाद ट्राई करूँगी, वो बॉटल पे है, बहुत क्रिएटिव टाइप का है और यूनिक चीज़ बनाऊँगी। वो बॉटल पे है, ये देखिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं, घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो भी मैं कुछ दिन में स्टार्ट कर दूँगी बॉटल को बनाना। और ये देखिए आप इजीली घर में बैठ के, आपका अच्छा नहीं लगता है तो कुछ क्रिएटिव टाइप का काम कीजिए, आपका घर भी बहुत खूबसूरत लगेगा इससे। और मुझे तो बहुत पसंद आया ये, कम से कम मार्केट में आप इसको बेचना भी चाहें तो आपका 1200-1300 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ती है मार्केट में। आप इसको सेल भी कर सकते हैं, और किसी से ऑर्डर भी लेना है तो आप फेसबुक के थ्रू आप इसको डाल सकते हो, इस तरह बना के कुछ ऑर्डर ले सकते हो, अपनी सिटी में इसको ऑर्डर दे सकते हो, परचेज़ कर सकते हो कि हाँ जितने लोगों को अच्छा लगेगा किसी न किसी के माध्यम से। ठीक है, ये देखिए फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया। और मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।